लैंग्वेजेस जो है वो एक तरीके से रट्टे वाला सब्जेक्ट है, रट्टे वाला टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर देखें 7 मार्क के दो टाइप के सवाल आ सकते हैं एंड 14 मार्क के दो टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब जो 7 मार्क्स वाले हैं वो आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, वो आपने समझना है, और 14 मार्क वाले में सॉर्ट ऑफ रट्टा है, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर क्या मतलब, सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर 7 मार्क्स वाले सवाल की, तो सवाल ये आता है एक्सप्लेन व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। क्या सवाल आएगा, एक्सप्लेन व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया। या फिर सवाल ये आ सकता है व्हाई जिना चूज पाकिस्तान उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, आसान अल्फाजों में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया। सबसे पहले आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, आप ये बताएंगे कि उर्दू जो है वो मुगल पीरियड में इस्तेमाल हो रही थी, मुसलमानों की आर्मी के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफी लोग बोलते थे, इट वॉज अ वेल नोन लैंग्वेज, दैट्स वाई इट वॉज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सर क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है वो मैं कहूँ कि आज से जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो ये है कि इंग्लिश में लेक्चर होगा, सारी चीजें इंग्लिश में होंगी, आप कहेंगे सर हमें प्रॉब्लम होगी, सर हमें उर्दू में ज्यादा बेहतर रहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को जो चीज समझ आ रही है आप उस चीज को लैंग्वेज प्रिफेयर करेंगे ना। अब उर्दू जो थी वो इतने सालों से बोली जा रही थी, मुगल पीरियड के अंदर यूज हो रही थी, मुस्लिम आर्मी के अंदर यूज हो रही थी, बहुत सारे लोग उसको बोल रहे थे, तो इट वॉज अ वेल नोन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट वाज चोजन। अगर कोई वो ऐसी लैंग्वेज बनाते थे जिसको कोई बोलता ही नहीं था, जिसको कोई सुनता ही नहीं था, तो वो कैसे, वो तो प्रॉब्लम हो जाती, दैट्स व्हाई दे चोज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट वाज अ वेल नोन लैंग्वेज। दूसरा रीजन क्या है, हाई स्टेटस। हाई स्टेटस के अंदर आप ये बताएंगे कि जितने भी आपके पास पोएट्स थे, अर्ली पोएट्स, अमीर खुसरो, ये सब उर्दू यूज करते थे। अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जितने भी साइंटिफिक टीचिंग्स, गाजीपुर सोसाइटी और ये जो साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में बनी, टीचिंग्स उर्दू के अंदर बना रहे थे, कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट करा। अब देखिए जो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना उसी के अंदर चीजें लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंग्लिश के अंदर क्यों नोट्स दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर बच्चा क्या कर सकेगा, उसको पढ़ सकेगा, तो इस वजह से मैंने उसको उर्दू उसमें रखा है। तो उर्दू एक अगर स्टेटस हाई था, इसीलिए स्टेटस हाई था, क्यों, क्योंकि उसकी एक लैंग्वेज की वैल्यू थी, इसीलिए लोग उसको यूज करते थे, और जब लोग यूज करते थे तो दैट्स व्हाई इट वाज चोजन एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सबको पता था कि उर्दू में वो लोग ऑलरेडी पोएट्री भी सुन रहे हैं, वो कलीगर मूवमेंट में भी उर्दू कर रहे हैं, तो दे वर अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज, दैट्स व्हाई उसको क्या बनाया। देन आप बताएंगे इट वाज वाइडली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट, AIML क्यों फॉर्म भी थी, जब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों फॉर्म भी, तो हमारा एक ये था कि INC वाज वर्किंग ऑन ओनली फॉर हिंदू, और वो कह रहे थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना, बट हमें उर्दू को प्रोटेक्ट करना था, उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी आप लोगों को याद होगा कि वो लोग उर्दू को प्रोटेक्ट करना था, हमें वो लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे थे, तो ये हमारे पास इट वॉज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट। फिर कायदे आजम ने अपनी जितनी भी स्पीचेस और दी वो सब चीजें किसमें दी, उर्दू के अंदर, और पाकिस्तान की जो यूनिटी थी वो उर्दू की वजह से आ रही थी, किसकी वजह से आ रही थी, उर्दू क्योंकि एक लैंग्वेज थी, दैट्स वाई इट वॉज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो आपके पास पहला रीजन क्या है, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा हाई स्टेटस, एंड इट वाज वाइडली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट, दैट्स व्हाई इट वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अब आप लोगों की जो बुक है ना नाइजल कैली या नाइजल जो, उसके अंदर इसका एक आंसर लिखा हुआ है, और उसमें एग्जामिनर ने कहा है कि अगर आप वो आंसर लिखेंगे आपको 7 out of 7 मिल जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। और सर वो आप आंसर दिखा सकते हैं, जी बेटा बिल्कुल दिखा देता हूँ, मैंने उसको थोड़ा बहुत चेंज करा हुआ है, लेकिन आपको उसमें भी 7 out of 7 मिल जाएंगे और इसमें भी 7 out of 7 मिल जाएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, वन ऑफ द रीजन व्हाई उर्दू बिकेम द नेशनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान वाज इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, इट वाज वाइडली यूज्ड इन मुगल पीरियड एंड डेट बैक एज फार एज द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली इन इट्स अर्ली स्टेजेस, इट वाज यूज्ड बाय द मुस्लिम आर्मी एंड बिकम वाइडली स्पोकन एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सो इट वाज नेचुरल दैट सच अ वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज वुड बी चोजन, दैट्स व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अनदर रीजन फॉर उर्दू टू बी चोजन वाज इट्स हाई स्टेटस, सम ऑफ द फाइनेस्ट अर्ली पोएट्स सच एज अमीर खुसरो रोट इन उर्दू, एंड सर सैयद अहमद खान स्कूल्स एट अलीगढ़ बिकेम अ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ उर्दू, मेनी रिलीजियस बुक्स इंक्लूडिंग कुरान वर ट्रांसलेटेड इन उर्दू, सो इट वाज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज with a rich literary tradition, that's why it was chosen as the national language of Pakistan. Third reason kya hai? Perhaps the major reason for Urdu being chosen was the fact that it was clearly associated with Pakistan movement. Sir Syed Ahmad Khan supported it in the Muslim League formed, not only formed to protect Muslim interests, but also to protect Urdu.
कायदा आजम वॉज पर्टिकुलरली कीन टू प्रमोट उर्दू एज ही सॉ इट एज अ यूनिफाइंग फोर्स एज पाकिस्तान वॉज अ न्यू कंट्री इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक अ लैंग्वेज व्हिच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग मुस्लिम्स एट द ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. तो इस वजह से उर्दू को क्या बना दिया नेशनल लैंग्वेज. पहला रीजन क्या है आपके पास, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री. दूसरा रीजन आपके पास क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टेटस. और तीसरा रीजन आपके पास क्या है कि उनको क्या था, इट वॉज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट, दैट्स वाई इट वॉज चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. तो ये आपके पास तीन रीजन है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए क्यों उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया. लॉन्ग हिस्ट्री की वजह से पुरानी लैंग्वेज थी, वेल नोन लैंग्वेज थी, बना दिया. दूसरा रीजन क्या है, widely associate because of its high status, लोग उसको यूज करते थे कुरान की ट्रांसलेशन के अंदर, बुक्स लिखने के अंदर, साइंटिफिक टीचिंग्स में. तो इसके एक स्टेटस था, दैट्स व्हाई इट वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. थर्ड रीजन क्या, इट वाज widely associated with पाकिस्तान मूवमेंट. पाकिस्तान मूवमेंट में उर्दू का बहुत ज्यादा किरदार था. उर्दू इन दी कॉन्ट्रोवर्सी भी इसी वजह से भी हम उर्दू को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे और इसी वजह से आपके पास उर्दू को क्या बनाया गया नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू एक यूनाइटिंग फोर्स थी. उर्दू एक लैंग्वेज की वजह से काफी लोग क्या हो रहे थे, यूनाइट हो रहे थे. That's why Urdu was chosen as the national language of Pakistan. तो बेटा मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को समझ आया कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया, या फिर कोई कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी पूछ रहे. इसके बाद सर हमारे पास क्या है, इसके बाद बेटा हमारे पास एक सवाल आएगा. सवाल क्या आएगा वो आपने गौर से क्या करना है समझ में. Why have regional languages been promoted by the Pakistani government since 1947? एक सवाल था उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया, अब सवाल ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट क्यों करा. रीजनल लैंग्वेजेस मतलब दूसरी लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ये इसको क्यों प्रमोट करा. तो सबसे पहला रीजन आपके पास है टू इंक्रीज यूनिटी. क्या बताओगे, टू इंक्रीज यूनिटी. क्यों सर, यूनिटी क्यों बढ़ानी थी. बेसिकली आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस काफी लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे. आप ये बताएंगे कि अगर देखिए एक चीज होती है, आप लोग शायद बताओ, उर्दू स्पीकिंग लोग, कौन उर्दू स्पीकिंग लोग जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती उनकी उर्दू एक लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, उर्दू. अगर ये लोग सिर्फ उर्दू को प्रमोट करते और नेशनल रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं करते तो बाकी लोगों को ये लगता है कि इन्होंने जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि लोग तो फॉरन ब्लेम करने पे वो हो जाते हैं ना. तो दैट्स व्हाई रीजनल लैंग्वेजेस को उन्होंने प्रमोट करा ताकि यूनिटी रहे और लोग जो अपनी लैंग्वेजेस हैं वो बोले, उनको ये ना लगे कि हमने उनके ऊपर क्या कर दिया, मुसल्लत कर दिया. तो दैट्स व्हाई आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. दूसरा रीजन, पंजाबी, सिंधी, पश्तो वर इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान मूवमेंट. They played very important role in Pakistan movement. इन्होंने क्या करा, इनके जो पोएट्स और थे वो पाकिस्तान मूवमेंट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ पोएट्री कर रहे हैं, काफी चीजें. तो बेसिकली पंजाबी, सिंध और पश्तो ने काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बनने के अंदर क्या करा, अपना किरदार अदा कर. अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह सोचा कि हमें इनको क्या करना चाहिए, इनके लोगों ने हमारी मदद करी, इस लैंग्वेज ने हमारी मदद करी, तो इन रिटर्न हमें भी इनको कुछ करना चाहिए. दैट्स व्हाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करा. थर्ड रीजन ये है कि बलोची, बलोची एक ऐसी रीजनल लैंग्वेज थी जो कि डेवलप नहीं हो रही थी, जिसको निग्लेक्ट किया जा रहा था. क्या किया जा रहा था, निग्लेक्ट. तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा कि हमें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सोचा कि बलूचिस्तान, बलोची को इग्नोर किया जा रहा है तो बलोची क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. क्या हो जाएगी, खत्म. तो उन्होंने किसको वो करा, उन्होंने ये सोचा कि बलोची लिटरेचर लिटरेचर डिक्लाइन में, बलोची खत्म हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, बलोची को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि वो क्या हो, वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो जाए, कोई लैंग्वेज खत्म ना हो जाए. तो आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस को क्यों प्रमोट करा, टू इंक्रीज यूनिटी. दूसरा रीजन क्या है, पंजाबी, पश्तो और आपके पास जो सिंधी ने क्या करा था, काफी ज्यादा साथ दिया था हमारे पास. और तीसरा क्या, बलोची जो है वो आपके पास क्या है कि वो डिक्लाइन पे थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये सारा सिनेरियो करा और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया. सर इसका आंसर दिखा देंगे तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी. देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिंदगी आसान कर देता हूँ. Why have regional languages been promoted by the Pakistani government since 1947? सवाल ये है कि since 1947 why it was promoted? So regional languages were promoted because they were spoken by a large number of people. Government also believes that the promotion will be helpful in national unity and integrity because promotion of language and culture gives a series of pride among people, sense of pride among people.
पंजाबी सिंधी एंड पश्तो हैव अ वास्ट लिटरेचर एंड एन एक्सपीरियंस रोल एंड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सो इट वाज नेसेसरी टू प्रमोट दीस लैंग्वेजेस. बलूची लैंग्वेज हैड लिटिल डेवलपमेंट बिफोर 1947 एंड इट्स लिटरेचर वाज इन डिक्लाइन देयरफॉर बलूची वाज प्रमोटेड टू ब्रिंग इट इन लाइन विद अदर रीजनल लैंग्वेजेस. उसके बाद आपके पास क्या लास्ट पॉइंट पहले वाले के साथ मर्ज कर दोगे क्या है. Urdu was declared as a national language. Promotion of regional languages was necessary so that people of different provinces may not feel that Urdu was being imposed on them and their own language was being ignored. तो ये आपके पास regional languages इसलिए promote हुई है, unity बरकरार है. पंजाबी सिंधी और पश्तो का काफी ज्यादा काम थे तो उनका एक रिवॉर्ड था. और बलोची जो है वो आपके पास डिक्लाइन में थी, दैट्स व्हाई क्या हुआ कि regional languages promote हुए. मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि आप लोगों को दो सवाल समझ आए या फिर कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे. इनाया बेटा आपको समझ आया? ओके बेटा, अब हमारे पास सवाल ये है कि सर रीजनल लैंग्वेजेस भी प्रमोट हो गई, उर्दू को भी नेशनल लैंग्वेज बना दिया सर. अब आपने ये कहा था कि 14 मार्क्स का कोई सवाल आता है. बेटा 14 मार्क्स के सवाल आते हैं डेवलपमेंट्स पर. आपने हर उसकी क्या करनी है, डेवलपमेंट क्या रखनी है, याद रखनी है. सर कैसे याद रखेंगे ये बेटा, ये रट्टाफिकेशन है. आपको फॉरन याद नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी याद होगी. देखिए आपने सबसे पहले समझना है कि आपके पास टोटल कितनी डेवलपमेंट्स है. पांच डेवलपमेंट्स, उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो, सिंधु. एक नेशनल लैंग्वेज है, बाकी चार रीजनल लैंग्वेजेस है. सही है. नेशनल लैंग्वेज के अंदर आप बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ उर्दू के अंदर इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. मीडिया में यूज होती है तो ये प्रमोट होती है न्यूज चैनल्स और ड्रामास के अंदर. तो आप क्या बताएंगे कि ये किस तरीके से प्रमोट हो रही है, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट आ रही है, कि मीडिया के अंदर आपके पास जो न्यूज चैनल पे न्यूज आती है वो किस पर आती है, आती है उर्दू के अंदर. तो मीडिया के अंदर खुद ब खुद उर्दू प्रमोट हो रही है. न्यूज चैनल्स ड्रामास किस में आ रहे हैं, उर्दू के अंदर. तो उर्दू क्या हो रही है, प्रमोट. न्यूज पेपर रेडियो किस में आ रहे हैं, उर्दू के अंदर प्रमोट हो रही है. एजुकेशन आपको पता है इट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ओ लेवल्स टू अपीयर फॉर उर्दू. 10th और 9th 12th जो कि मैट्रिक सिस्टम होता है, सिंध बोर्ड होता है, उसके अंदर भी क्या इट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट. इट इज टॉट अप टू एमए लेवल. एमए लेवल तक क्या करी जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है तो प्रमोट हो रही है. इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्टली उर्दू के अंदर बात की जाती है स्कूल्स और के अंदर, तो जिसकी वजह से इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो क्या हो रही है, उर्दू प्रमोट हो रही है. देन आप बताएंगे एंटरटेनमेंट, मुशायराज होते हैं, पोइट्री सेशन जैसे कि कवाली नाइट्स हो गई, फिर आपके पास क्या हो रहा है कि बाकी सारी चीजें, तो उससे उर्दू की राइटिंग्स क्या हो रही है, काफी ज्यादा प्रमोट हो रही है. फिर कुरान को भी उर्दू के अंदर उन्होंने क्या करा, ट्रांसलेट करा, तो ये भी आपके पास डेवलपमेंट वीक है. लोग जब कुरान उर्दू में पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ हमें उर्दू के बारे में नॉलेज मिल रही है. तो इस तरीके से कुरान की क्या हुई है? आप बताएंगे उर्दू. देखिए जब भी डेवलपमेंट से आप बता रहे किस तरीके से डेवलप हो, नेशनल लैंग्वेज है, मीडिया के अंदर यूज हो रहा है तो डेवलप हो रहा है, न्यूज पेपर रेडियो के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, कुरान ट्रांसलेट हुआ, तो इस तरीके से उर्दू क्या हो रही है, डेवलप हो. तो मुझे ये बात बताएं कि उर्दू की डेवलपमेंट समझ आई या नहीं है. देखिए आपने ये डेवलपमेंट्स किस तरीके से करनी है, ये बाद में सुकून से रट्टाफिकेशन है सर. जल्दी जल्दी बताएं उर्दू की डेवलपमेंट समझ आई या फिर कोई कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन है पूछें, टेंशन नहीं लीजिएगा. ओके अब है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी आफ्टर 1947. आप ये बताएंगे इट इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ पंजाब. मीडिया के अंदर आप ये बताएंगे मीडिया के अंदर न्यूज और ड्रामास किस में आते हैं, पंजाबी के अंदर. सर मीडिया की एग्जाम्पल है न्यूज की, जी न्यूज और अपना न्यूज आपके पास पंजाबी के अंदर भी वो करते हैं अपने न्यूज चैनल द्वारा आ रहे होते हैं. ड्रामा जो है वो आपके पास पीटीवी पंजाबी है, पीटीवी पंजाबी पर आपके पास जो ड्रामा आएगा वो किस में आएगा, पंजाबी में. न्यूज पेपर और रेडियो चैनल्स आपके पास इतने हैं जिसके अंदर पंजाबी के अंदर क्या आ रही है, न्यूज आ रही है. कंपलसरी सब्जेक्ट है पंजाब के अंदर, इट इज टॉट अप टू एमए लेवल इन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से पंजाबी भी डेवलप हो रही है. इंटरटेनमेंट मुशायरा, सबसे ज्यादा जो मुशायरा और होते हैं वो पंजाबी के अंदर होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, कॉमेडी होती है पंजाबी के अंदर. जब ये सारी पंजाबी के अंदर हो रही है तो पंजाबी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. पंजाबी क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है. मोहम्मद अली फाइक नाम का एक बंदा था जिसने कुरान को क्या करा था, ट्रांसलेट करा था पंजाबी के अंदर. किसमें ट्रांसलेट करा था, पंजाबी के अंदर. तो इस वजह से भी कुरान पंजाबी क्या भी काफी ज्यादा प्रमोट हुई. और आप ये बताएंगे बुक्स भी किसमें लिखी जाती है, पंजाबी के अंदर लिखी जाती है. अगर आप देखें तो पैटर्न सबका एक ही है, न्यूज चैनल, मीडिया, ये सारी चीजें.
लेकिन कंटेंट क्या है डिफरेंट, तो ये आपको स्कूल से क्या करना पड़ेगा रट्टा, और आप लोगों को एक चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट के अंदर क्या होगा कि एक ही पेज के अंदर एक साइड में वो होगा उर्दू, एक साइड में होगा सिंधी, एक साइड में होगा पंजाबी, पश्तो और बलोची। देन आपके पास है डेवलपमेंट्स ऑफ पंजाब के बाद। मुझे जल्दी जल्दी बताएं, डेवलपमेंट्स ऑफ पंजाब समझ आया या फिर कंफ्यूजन? अब है डेवलपमेंट्स ऑफ सिंधी आफ्टर 1947, इट वाज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ सिंध। आप ये बताएंगे मीडिया न्यूज चैनल्स के अंदर क्या होता है इस्तेमाल, एग्जाम्पल किसकी लेंगे? केटीएन न्यूज, किसकी? केटीएन न्यूज। ड्रामा किस पे? मेहरान टीवी, केटीएन न्यूज पे ड्रामास आते हैं। एजुकेशन कंपलसरी है सब्जेक्ट सिंध में, जो मैट्रिक सिंध बोर्ड कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है। डॉट अप टू एमए लेवल, डॉट अप टू एमए लेवल। उसके बाद आपने क्या करना है, एमए लेवल वाली बात बता दी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है जामशोरो, जहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। रेडियो न्यूज पेपर पर क्या होता है सिंधी के अंदर सारी चीजें आती हैं। देन आप ये बताओगे एंटरटेनमेंट, जैसे कि स्टेज शोज, मुशायरा इसमें होते हैं। इसमें एक चीज अलग है, जैसे उसके अंदर पंजाबी में क्या था, मोहम्मद अली फाइक ने ट्रांसलेट करा था कुरान इंटू पंजाबी। इसके अंदर हम सरमस अकेडमी के बारे में बताएंगे कि सरमस अकेडमी बनाई गई फॉर द ट्रिब्यूट टू सचल सरमस, जो कि एक पोएट थे। और उधर उस अकेडमी के अंदर क्या हुआ कि जितनी भी बुक्स और मैगजीन्स आते थे वो सारे सिंधी में आते थे, तो सिंधी क्या होती थी, प्रमोट हुई थी। सही है, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी सारे वो ही है कि मुशायराज हो रहे हैं, न्यूज पेपर है और ये सारी चीज। फिर आपके पास है डेवलपमेंट ऑफ पश्तो आफ्टर 1947, इट इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ केपीके। केपीके मींस खैबर पख्तून हुआ। मीडिया न्यूज किस में आती है, खैबर न्यूज। ड्रामास पश्तो वन। एजुकेशन पेशावर यूनिवर्सिटी 1951 के अंदर बनाई गई। डॉट अप टू एमए लेवल पश्तो अकेडमी 1954 के अंदर बनाई गई। और आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताओगे कि डिक्शनरी बनाई गई पश्तो की, जिसकी वजह से ये सब क्या हुआ, प्रमोट। वही न्यूज़पेपर रेडियो वाली बात, एंटरटेनमेंट के अंदर पोएट्री पश्तो के अंदर होती है जिसकी वजह से प्रमोट हो रही है। फिर आपके पास है डेवलपमेंट ऑफ बलोची आफ्टर 1947, इट इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। मीडिया न्यूज आपके पास क्या है, ड्रामास कोयटा टीवी पर आ रहे। एजुकेशन डॉट अप टू एमए लेवल। अब इसके अंदर कुछ एजुकेशन की अच्छी बात है, बलोची लिटरेरी एसोसिएशन बनाई गई जिसके अंदर मैगजीन्स बलोची के अंदर पब्लिश किए जाते थे। एक वीकली मैगजीन आता था जिसका नाम होता था नान किसान, क्या नाम होता था, नान किसान। और एक मंथली आता था जिसका नाम है उलेसिस, क्या नाम होता था, उलेसिस। तो जब ये सारी चीजें आपके पास है तो आपके पास क्या होगा कि ये सारी चीजों की वजह से वो प्रमोट हुआ। रेडियो न्यूज पेपर के अंदर मुशाहिरात जो है वो आपके पास क्या है, ये सारी चीजें, तो इस तरीके से प्रमोट। अब आपने सर आंसर किस तरीके से, देखिए आपने जब आंसर अपना फ्रेम करना है तो आपने सारी डेवलपमेंट्स बतानी है। देखिए अगर सवाल आ रहा है कि सिंधी वॉज प्रोमोटेड मोर देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस बतानी है, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची। कंक्लूजन क्या देंगे, पंजाबी सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की बनेगी। आप ये ओपन एंडेड है, आपकी जिसकी सबसे ज्यादा बन रहे हो ना पॉइंट्स, जिसकी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स हो आप उससे एग्री करेंगे। अगर सवाल आ रहा है उर्दू वॉज प्रोमोटेड मोर देन रीजनल लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले उर्दू, फिर चार रीजनल लैंग्वेजेस, और कंक्लूजन में देंगे यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, उर्दू वॉज प्रोमोटेड मोर देन रीजनल लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो नेशनल लैंग्वेज है तो ज्यादा ही प्रमोट हो। तो इस तरीके से आपके पास डेवलपमेंट के सवाल आते हैं। मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग एक दफा क्या करें, आप लोगों को आंसर दिखा रहा हूँ वो आंसर एक दफा पढ़ लें, ताकि जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए। रोना धोना शुरू नहीं कर दीजिएगा, सही है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल, इसमें तीन है। ये बात, पंजाबी हैज बीन प्रमोटेड मोर देन एनी अदर पाकिस्तान रीजनल लैंग्वेज बिटवीन 1947 एंड 1999। तो सबसे पहले हम कौन सी बताएंगे, सबसे पहले हम पंजाबी बताएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर लिखा है। सबसे पहले आप लोग इसकी रीडिंग शुरू कर दें, और जब इसकी रीडिंग खत्म हो जाए पूरी ये पेज के एंड तक तो मुझे बताइएगा कि जी खत्म हो गई।
ओके बेटा, मोस्फेरा बेटा आपने पढ़ लिया? मोस्फेरा बेटा जल्दी, आप लोगों का जवाब नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं। सही है। इसके बाद अब आप लोग पंजाबी को कंटिन्यू रखें। पंजाबी के बाद आपने सिंधी बताई। पंजाबी का जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो सिंधी, सिंधी तक पढ़ लें। तो बेटा मोस्फेरा बेटा, मानू बेटा और आप लोग बेटा बताइएगा कि पढ़ लिया या नहीं पढ़ा। सही है, जब पढ़ लें तो मुझे बताइएगा तो मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। इसके बाद है पश्तो। पश्तो भी एक दफा पढ़ लें जल्दी से। रीड द लास्ट पैराग्राफ बलोची। इसके बाद एक दफा कंक्लूजन पढ़ लें कि कंक्लूजन कैसे लिखें। सही है। अब एक सवाल तो ये हो गया। अब एक सवाल है, हैज द प्रमोशन ऑफ उर्दू बीन मोर सक्सेसफुल देन दैट ऑफ एनी रीजनल लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, उर्दू। अब जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं उर्दू का, उर्दू की प्रमोशन।
बेटा अब आप लोग क्या करें, ये वाला उर्दू की कंप्लीट पढ़ें, उर्दू ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करें, उसके बाद में आप लोग आगे की पैराग्राफिंग करें। बेटा अब देखिए, आपने उर्दू बता दिया, उर्दू बताने के बाद आपने क्या करा, उर्दू बताने के बाद आपने पंजाबी की कोई प्रमोशन पूरी कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद आपने सिंधी की कॉपी पेस्ट, उसके बाद आप लोगों ने पश्तो की कॉपी पेस्ट एंड देन बलोची की कॉपी पेस्ट। कंक्लूजन में क्या लिखा, उर्दू वाज प्रमोटेड मोर देन एनी नेशनल लैंग्वेज एज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज व्हिच इज वाइडली यूज्ड बाय द, उर्दू से टक्कर कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में आपस में हर किसी का टक्कर हो सकता है, या तो पंजाबी से एग्री करोगे या सिंधी से, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बलोची भी निगलेक्ट की जाती है, पश्तो भी निगलेक्ट की। बाकी आपके बाद वही सवाल, सिंधी वॉज प्रोमोटेड मोर देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, सबसे पहले सिंधी, अदर लैंग्वेजेस एंड देन उसके बाद आपके पास है द प्रोमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1980 हैज बीन मोर सक्सेसफुल देन द प्रोमोशन ऑफ उर्दू। एक्सप्लेन योर आंसर, तो सेम वही रहेगा, क्या है रीजनल लैंग्वेजेस पहले लिखी, फिर आपने उर्दू की वो लिखी एंड देन आपने बोला उर्दू ज्यादा सक्सेसफुल, फिर व्हाई डिड उर्दू चूज, व्हाई डिड पाकिस्तान चूज उर्दू, वही आंसर। हाउ इंपॉर्टेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, सारी रीजनल लैंग्वेजेस, व्हाई वाज उर्दू चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपके पास सारी कहानी है जिसमें आपने क्या पढ़ा, आपने लैंग्वेजेस पढ़ा कि लैंग्वेजेस की किस तरीके से डेवलपमेंट होगी और किस तरीके से आपने याद किया।